हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम पहुंच चुके हैं भरूच। भरूच में आज हम देखने वाले हैं भरूच का HSR स्टेशन, और साथ के साथ हम देखने वाले हैं नर्मदा रिवर पर ब्रिज का कितना काम किया जा चुका है इस वक्त। पिछली बार जब हम आए थे, तकरीबन 1.5-2 महीने पहले आए थे, उस वक्त वहाँ पर हमने देखा था काफ़ी सारा नुकसान हुआ था बुलेट ट्रेन का ब्रिज का, क्योंकि वहाँ पर पानी का बाढ़ आई थी ना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कितना अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिल पा रहा होगा, जो कि बुलेट ट्रेन की इस परियोजना का। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपका बिना वक्त गवाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। ये है नर्मदा रिवर, जिस पर बनाया जा रहा है 1200 मीटर लंबा बुलेट ट्रेन का यह ब्रिज। दोस्तों, हम लगभग हर 3-4 महीने में इस ब्रिज का अपडेट देखते रहते हैं, जबकि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पायल का काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा होगा इस वक्त, और यहाँ पर धीरे धीरे पिलर को पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब बाढ़ आई थी पिछले महीने में तो यहाँ पर आपने देखा था काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ था। तो अभी यहाँ पर आपको पायल का काम कंप्लीट देखने को मिल पा रहा होगा, और यहाँ पर अभी रिवर में पानी भी काफ़ी कम हो चुका है। बहुत जल्दी यह भी कार्य पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन की परियोजनाओं में सबसे ज़्यादा समय जो लग रहा है बुलेट ट्रेन के स्टेशनों में और बुलेट ट्रेन के इस रिवर में जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं। अभी आपको यहाँ पर कार्य अच्छा खासा देखने को मिल पा रहा होगा दोस्तों। तो अभी हम रिवर के साथ साथ देखेंगे जो भरूच का HSR स्टेशन बनाया जा रहा है, और बीच में अलाइनमेंट का काम भी। तो यहाँ पर अभी हम निकलते हैं, ये साइड है भरूच की साइड की, और अभी आप आजू बाजू में देखेंगे तो यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, जो कि भरूच का रिवर फ्रंट का काम अभी भी जोरों शोरों में किया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर सामने देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये दो पेयर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, जो कि रिवर के अंदर आते हैं। जो गोल वाले पेयर आप देख रहे हैं ना बुलेट ट्रेन के, इस वक्त ये पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं दोस्तों। और जो आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लॉन्चिंग का काम आपको इस जगह तक कंप्लीट देखने को मिल पा रहा होगा, और इस जगह पर है LNT का यार्ड, जिसे बोलते हैं कास्टिंग यार्ड। यहाँ पर बुलेट ट्रेन के सेगमेंट वगैरह बनाए जा रहे हैं, और इस तरफ आपको देखने को मिल पा रहा होगा खूबसूरत नज़ारा, जिसे कहते हैं भरूच का नज़ारा दोस्तों। काफ़ी अद्भुत नज़ारा आपको देखने में ये लग रहा होगा दोस्तों। देख सकते हैं आपको यहाँ पर दोस्तों कितना अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिल पा रहा होगा इस वक्त, जो कि बुलेट ट्रेन की परियोजना का नर्मदा रिवर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पेयर यहाँ पर बनकर वो कंप्लीट देखने को मिल पा रहे होंगे, और अभी यहाँ पर पानी का बहाव काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि अभी कोई मौसम नहीं है बारिश का दोस्तों, इसलिए यहाँ पर पानी कम है। ये देख सकते हैं इस तरफ सीधा जा रहा है ये सूरत की साइड में, और हमने 2 महीने पहले दिखाया था, वो हमने दिखाया था अंकलेश्वर की साइड से, वो देखने को काफ़ी अच्छा खासा प्रोग्रेस लग रहा होगा दोस्तों इस वक्त। इस परियोजना का जो काम कर रही है वो LNT कंस्ट्रक्शन के अंडर में काम किया जा रहा है, और ये सेक्शन C4 में आता है, जो कि जरोली गांव से लेके और ये जाता है वडोदरा तक। 237 किलोमीटर लंबा पैकेज है, जिसके अंडर ये काम आता है पूरा का पूरा। और यहाँ पर ये सामने आप देख रहे हैं ये कास्टिंग यार्ड है, और इस बाजू में प्लांट है LNT का, जहाँ पर ये मसाला कॉन्क्रीट तैयार करके और ये सेगमेंट बनाने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है दोस्तों। तो इस तरफ सामने आपको देखने को मिल पा रहा होगा ये अलाइनमेंट यहाँ तक पूरा रेडी है बन के, और इसके आगे आप देख रहे हैं जो कि है भरूच का बुलेट ट्रेन का स्टेशन। और यहाँ पर स्टेशन का भी अच्छा खासा काम कर लिया गया है, जहाँ पर स्टेशन को आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि स्टेशन का यह स्टेशन 2 माले का बना जा रहा है, और इसके ऊपर अभी इस वक्त स्लैब डालने का काम किया जा रहा है दोस्तों इस वक्त यहाँ पर स्टेशन का भी।
तो ये गुजरात का स्टेट हाईवे इस तरफ जाता है सीधा दहेज के लिए और इस तरफ कनेक्ट कर रहा है ये भरूच शहर को। दोस्तों ये स्टेशन सूरत के बाद और बड़ौदा के पहले आठवां स्टेशन है। और दोस्तों यहाँ का जो स्टेशन है, जो लोकल यहाँ का कल्चर है, जिसे कि बोलते हैं कपास के बुनाई के आकार का, इसका स्टेशन का आकार दिया जा रहा है। और तकरीबन यहाँ पर जो दो ट्रैक बनाए जाएंगे और दो प्लेटफॉर्म, तकरीबन 425 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा और यहाँ पर 16 कोच की यहाँ पर बुलेट ट्रेन बनाई जाएगी, जो कि 5E सीरीज की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी की बुलेट ट्रेन यहाँ पर दौड़ने वाली है। दोस्तों यहाँ पर आपको बुलेट ट्रेन का अच्छा खासा काम देखने को मिल पा रहा होगा, आपको जगह जगह पर स्लैब का काम भी होता हुआ दिख रहा होगा और कहीं कहीं पर आपको पेयर का कार्य कंप्लीट दिख रहा होगा। दोस्तों इस तरफ सीधा जा रहा है बड़ौदा के लिए और बड़ौदा के साइड में आप देखेंगे तो आपको पोर्टल बीम का भी अच्छा खासा काम देखने को मिल पा रहा होगा। दोस्तों वैसे इस स्टेशन की फाइनल डेडलाइन 2026 की है, क्योंकि 2026 में यह स्टेशन पूरी तरीके से बनके कंप्लीट होने का चांस है। और वैसे जो सबसे पहले ट्रायल रन किया जाएगा हमारे भारत में बुलेट ट्रेन की परियोजना का, वो होगा सूरत से लेके और विलीमोरा के बीच में। दोस्तों 48 किलोमीटर का हिस्सा है और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ तक स्टेशन का हिस्सा आएगा, क्योंकि यहाँ पर पोर्टल भी बनाया जाएगा, यहाँ तक ट्रैक बनाए जाएंगे और उसके आगे आपको पेयर कार्य पूरा का पूरा कंप्लीट देखने को मिल पा रहा होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा प्रोग्रेस यह बुलेट ट्रेन की परियोजना का है। स्टार्टिंग से इसका अपडेट देता हुआ आ रहा हूँ मैं, और स्टार्टिंग में इसका कितना काम था वो भी आप देखेंगे कुछ क्लिप के जरिए। दोस्तों दोस्तों आप सभी को इसी प्रकार के नए अपडेट देखने हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और दोस्तों वीडियो को खाली लाइक करना है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल पैदा करता है, क्योंकि आप हमें लाइक करोगे तब हम आपको नए नए अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं आपको लगभग एक साल से इस परियोजना का अपडेट देता हुआ आ रहा हूँ और आज एक साल में भी आप देखेंगे तो आपको कितना अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रोग्रेस देता हुआ दिख रहा होगा। इस तरफ सीधा ये जा रहा है दोस्तों दहेज की साइड में और इस तरफ ये जा रहा है सीधा भरूच की शहर की साइड में। इस जगह पर बनाया जाएगा प्लांटेशन, यानी कि जो पावर सप्लाई ऑफिस है वो बनाया जाएगा और आपको स्टेशन का काफ़ी अच्छा खासा प्रोग्रेस भी देखने को मिल पा रहा होगा। ये जो स्टेशन का मेन रोड देख रहे हैं ना, स्टेशन के नीचे होके आ जाएगा और बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट इसके ऊपर होके निकलने वाला है। दोस्तों पर इस तरफ सीधा जा रहा है ये सूरत सेक्शन की साइड में और यहाँ पर पोर्टल बीम का काम जो है कम्प्लीटली आपको देखने को मिल पा रहा होगा। यहाँ पर भी दोस्तों जल्दी लॉन्चिंग का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा भरूच का बुलेट ट्रेन का स्टेशन, तो स्टेशन के साथ साथ हमने देखा जो कि नर्मदा रिवर पर इस ब्रिज का काम किया जा रहा है। ये बुलेट ट्रेन की परियोजना का सबसे लंबा ब्रिज है, तकरीबन 1200 मीटर लंबा यह ब्रिज जो कि बनाया जा रहा है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं जल्द एक नए ब्लॉग में दोस्तों, आज के लिए इतना। जय हिंद जय भारत।